Assalamu alaikum students. Student, today is your lecture 4. In last lecture, we will discuss exercise 4.2 of some questions. हमने exercise 1.2 के कुछ questions किए थे. Page number 14 पर आप आ जाइए. Chapter 1, exercise 1.2. बेटा 3 तक हमने question कर लिए थे और कुछ मैंने question homework के लिए भी दिए थे. Right? बेटा question number 4 leave कर दीजिए और 5 पर आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन डिवाइडिंग -8016 बाय x द आंसर ऑब्टेंड इज -16. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये चीज पूछी हमसे. उन्होंने कहा है बेटा एक नंबर आपके पास दे दिया जो x से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और उसका जो आंसर है ना वो आपके पास -16 आता है. आपको वैल्यू निकालनी है x की. तो बेटा उन्होंने दे दिया 8016 दे दिया उन्होंने और x से डिवाइड हो रहा है और आंसर क्या है -16 हो गया. आंसर इक्वल टू उस साइड होता ना, -16 है और 1 से डिवाइड हो रहा है ये टर्म. तो उन्होंने पूछा इसकी वैल्यू निकालें. कैसे निकालेंगे वैल्यू बेटा? इसको वहां ले जाऊंगी मैं और इसको यहाँ ले आऊंगी, यानी कि x नेक्स्ट स्टेप में वहां चले जाएगा. हो गया, कोई प्रॉब्लम? ये यहां से कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल. 8016 डिवाइड बाय 16 आंसर आता है बेटा 501. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 501, विच इज योर आंसर. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 6. Evaluate part A. 49 multiply by 89 multiply by -107 multiply by 0 multiply by 412. बेटा इस क्वेश्चन में सबसे खास बात देखिए, आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा जीरो जीरो. बेटा जीरो का क्या मतलब है? जब भी जीरो किसी नंबर में आता है ना तो उस नंबर को पूरा खत्म कर देता है. सही, वो भी जीरो कर देता है. जब भी जीरो किसी भी टेबल से मल्टीप्लाई होता है वो उस चीज को पूरा का पूरा खत्म कर देता है. तो बेटा यहाँ देखिए, सबसे पहले तो सवाल आप दोबारा से कॉपी कर लीजिए. एवेल्युएट के क्वेश्चन जो होते हैं ना या सिंप्लीफिकेशन के, उनमें सवाल आप दोबारा कॉपी किए हैं. जैसे तो आप सब में करें कॉपी. 49 मल्टीप्लाई बाय 89 4361 आता है आंसर. मल्टीप्लाई बाय -107 ऐसी रहा 0 4 0 4 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा आंसर. 4361 मल्टीप्लाई बाय, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0. अब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा देन 0, आंसर आ गया 0. ठीक है, पार्ट बी भी कर लेते हैं. पार्ट बी -8 और -16 बेटा जो सिंपल सा है, बस दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं. सवाल दोबारा कॉपी करा हमने. 16 8 128 आंसर आता है. माइनस माइनस प्लस आंसर हो गया. अब कोई प्रॉब्लम? सी पार्ट भी कर लेते हैं. अब देखिए बेटा यहाँ पे दे दिया है 48 डिवाइड बाय -16. सवाल उतारा मैंने दोबारा, ठीक है.
48 डिवाइड, ये डिवाइड के साइन है ना, तो बेटा देखें 48 को ऐसे ही रखा, 16 माइनस का 8, तो क्या आएगा बेटा देखें 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, बचा क्या 24 डिवाइड बाय 8, अभी भी 2 से डिवाइड हो रही है, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, अभी डायरेक्ट 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 4, 4 3 12, माइनस 8, ठीक है माइनस का 3, तो बेटा आंसर क्या आपका माइनस का 3। जब भी पूरा सॉल्व ना हो जाए आप चलाते रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है बेटा, ये नहीं कि आपने एक ही स्टेप खत्म कर देना, जबकि देखे 24 और 8 फर्दर डिवाइड हो रहे थे, यहाँ आया तो 12/4 आया, ठीक है। चलो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में ही करके दिखा देती हूँ, 12/4, अब दोबारा से 12 लिखा और 4 लिखा, 4 1 4, 4 3 12, क्लियर। पार्ट डी थोड़ा सा मुश्किल है, वो करवा देती है, उसके बाद जो है आप लोग होमवर्क में करेंगे। देखिए बेटा आप सबसे पहले ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ब्रैकेट्स को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, 12 प्लस 9, होता है 21 आंसर, डिवाइड का साइन ये रहा। अब ये इसको मैं ऐसे लिख दूं, माइनस का 9 डिवाइड बाय 3, 3 1 3, 3 3 9, 21 21 डिवाइड बाय माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 था ना। अब देखें बेटा 21 डिवाइड बाय 3 माइनस का 3 1 3, 3 7 21 आता है, माइनस का 7 इज योर आंसर, क्लियर। पार्ट ई एंड एफ होमवर्क, पार्ट ई और एफ होमवर्क आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में देखें क्या बोला है आपको, डिवाइड 51 बाय द सम ऑफ माइनस 8 एंड माइनस का 9, ये आपको दे दिया है, सही है। 51 आपको डिवाइड करना है इन दोनों के सम से, तो सबसे पहले तो आपको सम करना है ना, तो आप ऐड करें माइनस का 8 प्लस का माइनस का 9, प्लस साइन इसमें लगा दी मैंने, माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस 9 इक्वल्स टू क्या आंसर आ रहा है, माइनस का 17। अब माइनस 17 आ गया तो 51 से डिवाइड करना है। नाउ इन्होंने ये पूछा है कि इन दोनों का सम इससे डिवाइड करना है ना, इन दोनों का सम मैंने निकाल लिया, क्या आ रहा है माइनस का 17, तो 51 सवाल भी दिया हुआ था 17, ठीक है। तो बेटा देखें 17 1 17, 17 3 51 होता है, माइनस का 3 आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। क्वेश्चन 8 पे आ जाइए, क्योंकि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज खत्म हो हमारी। क्वेश्चन 8 देखिए बेटा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, बड़ा है क्योंकि, बाय सेलिंग 15 फोटो फ्रेम्स, ठीक है, शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट रुपीज 2250, फाइंड अ प्रॉफिट ऑन ईच फोटो फ्रेम। बेटा ये सवाल समझिए, ये एक हमारा प्रॉब्लम है,
उन्होंने कहा है, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसने 15 तस्वीरों का फ्रेम जो है 15 तस्वीरों का फ्रेम बेचा 15 दिन, ठीक है। वो जो 15 दिन ना उनका जो वो प्रोक्त हुई है कितने में हुई है, 2250 में हुई है। तो वो ये कह रहे हैं कि बेटा अभी 15 दिन जो 2250 के उसमें प्रोक्त हुई है, मतलब बिकी है जो कहना चाहें आप, तो वो कह रहे हैं बेटा एक फ्रेम कितने का बिकेगा, आप हमें एक फ्रेम की वैल्यू बता दें, ठीक है ना। आप भी कहीं जाते हो, अब आप कहीं से ले लिए कि आपने क्या कहते हैं, मुझे 2 जीरा प्लस बिस्किट दे दीजिए, आपने ये बात बोली, ठीक है। वो बोलेगा कि क्या कहते हैं 20 रुपए हो गए 2 जीरा प्लस, तो आप पूछोगे नहीं एक कितने का था जो 20 रुपए हुए। सवाल तो आप करोगे ना कि एक कितने का था जो 20 रुपए हुए, तो वो एक बताएगा 10 रुपए का हुआ, तभी तो 2 हमारे पे 20 रुपए के हुए। तो यही सवाल यहाँ पर शॉपकीपर से हुआ है। तो देखिये बेटा आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप इस तरह से लिखो सेलिंग फोटोज 15 उसने सेल करी थी, ठीक है। फिर टोटल प्रॉफिट इसको कितना हुआ, टू टू फाइव जीरो हुआ। इसने बोला है कि प्रॉफिट ऑन ईच फोटो को बता दीजिए, प्रॉफिट ऑन ईच फोटो ये पूछा हुआ हमने, इस तरह से बात लिखी। तो बेटा आप देखिए क्या लिखेंगे, 15 फोटोज सेल कितनी की हुई थी, 2250 में हुई थी 15 फोटो। तो 1 फोटो कितनी की होगी बेटा, हमसे तो 1 पे पूछी है ना उन्होंने, 1 फोटो 15 यहाँ का डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इससे यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये 1 फोटो 2250 डिवाइड बाय 15 हो गया। तो अब आप क्या लिखोगे, 1 फोटो फ्रेम 2250 डिवाइड बाय 15 कितना आंसर आता है, 150 रुपीज। यानी के उसने कहा कि एक फोटो पे 150 रुपए का खर्चा है, समझ में आ गई बात आपको बेटा, ये आपका आंसर है। क्लियर बेटा, यहाँ तक हमारे लेक्चर खत्म होते हैं, ठीक है, सॉरी हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म होती है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर एक्सरसाइज इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।